अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकले हैं मियाँ चन्नू से। इंशाल्लाह जीजा वतनी हमारी मंजिल होगी। हम ये सफ़र हमने किया है पीसफुल पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस को शुक्रिया अदा करने के लिए, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, एफसी हो, रेंजर्स हो, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है उन सब के लिए, उन सब को शुक्रिया अदा करने के लिए निकले हैं। अल्लाह ताला हमारी फौज को ताकयामत महफूज रखे, पाकिस्तान को ताकयामत आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। रात हम रुक रहे हैं उस्मान भाई की तरफ, जो रेफरेंस है मुदस्सर भाई, उनने कहा था मुसद्दक भाई, उनके रेफरेंस से था, उनके कज़न थे। तो मुसद्दक भाई और उनके दोस्त का शुक्रिया, उस्मान भाई का शुक्रिया जिनने हमें रहने को जगह दी और हमारी खिदमत की जगह चला। और अभी हम बाईपास पर बैठे हैं तो हम बाईपास से निकलेंगे इंशाल्लाह। कोई यहाँ से है कोई 40 किलोमीटर चीचा वतनी, इंशाल्लाह वहाँ हम स्टे करेंगे, रात वहाँ से रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह फिर अगली मंजिल की तरफ। आप दुआ करते रहें हमारे लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं आप लोगों की दुआओं से यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। मैं बार बार आप लोगों की सपोर्ट की वजह से कहता हूँ, उसकी वजह से कि आप लोगों की सपोर्ट होती है तो मैं रास्ते में, जगह नहीं होती अकेले बंदे के लिए रहने के लिए, और खाना पीने का मसला होता है, वो बाइकर कम्युनिटी के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट की और आगे भी मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करने के लिए और तमाम फोर्सेस को जिनकी कुर्बानी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारी फ़ौज है पाकिस्तान और जिनकी इतनी कुर्बानी की वजह से आज पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारी फ़ौज को जाता है। बहुत सी कुर्बानियाँ दी आवाम ने, दी फौज ने दी, जो आज भी हमारे लिए अपने सब कुछ घर बार छोड़कर हमारे लिए बॉर्डर पे होते हैं, वो सिर्फ उनके दिल में सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत होती है तो वो हमारे लिए वहाँ तक पहुँचते हैं। वरना ऐसा कोई नहीं होता कि जो 15-20 हज़ार के लिए अपनी जान कुर्बान करे। कब कैसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से गोली कब कैसे उनके सीने में लग जाए और वो शहीद हो जाए और एक माँ का लाल शहीद हो जाए। हम तो बैठे हैं अपने घर सुकून से, हमें क्या पता उनके जज्बों का, उनके इरादों का, उनके पाकिस्तान की दिल से मोहब्बत का, उनके दिल में जो मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, हमें कैसे पता चलेगा। हम जब तक को उतना बर्दाश्त नहीं करते जितना हमारी फौज करती है, उतनी गर्मी, उतना दुश्मनों का डर, उतना सब कुछ, उतना ट्रेनिंग, उतनी बर्दाश्त, जब तक हम खुद बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक हमें एहसास नहीं होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए पैसे देकर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं या कारोबार करके, या ज़रूरी नहीं है। मैं एक नीचे तबके का आदमी हूँ, घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे अबू रक्षा चलाते हैं, हम गरीब घर से हैं, तो मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है और मैं उन तमाम फौजों की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ और मेरे लिए वो जान से ज़्यादा अजीज़ हैं वो भाई,
वो माएँ जिनकी जिनके बेटे जिनके भाई हमारे लिए शहीद होते हैं, वतन पर शहीद होते हैं, मेरी उनकी बहुत इज्जत है मेरे दिल में। बस मेरा और कोई इरादा नहीं था कि निकलने का कोई, मुझे बस यही अच्छा लगा कि मैं इस तरीके से उन जवानों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ जो हमारे लिए शहीद हुए हैं और जो हमारे लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। उन सब का शुक्रिया, आप लोगों की वजह से हम महफूज हैं। अल्लाह ताला वसीला बनाता है और हमारा वसीला और पाक फौज ही है जो बॉर्डर पर हर वक्त हमारे लिए दिन में कई शहीद हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको जिनके नाम तो हमें याद नहीं होते, जिनका नाम आता ही नहीं है मीडिया पे, हमारे गुमनाम मुजाहिद जो बाहर के मुल्कों में जाके हमारे लिए पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और मैं शुक्रगुजार हूँ उन सबका, उन माओं का जो अपने बेटे वतन के लिए शहीद होने के लिए कुर्बान करने के लिए वतन पे बॉर्डर पे भेज देती हैं बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके। मैंने कभी किसी की मैं जानता हूँ मेरे लिए और कोई मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा कि मैं पाकिस्तान को और एक खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया को दिखाऊं, पाकिस्तान का जो आर्मी फोर्सेस है उनका शुक्रिया अदा कर लूँ इस तरीके से। तो आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, जो बाइकर्स कम्युनिटी है इनकी सपोर्ट की वजह से मैं निकला हूँ, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मज़ीद खुंजराब तक आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं ये सफ़र कामयाब हो जाऊँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनरल साहब से मुलाकात करूँ, अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाब करें, आमीन। जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आप लोग दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खुश होंगे, दुआ करते होंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, दुआ करते रहें, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, आमीन। आज हम निकले हैं मियाँ चन्नू से, सुबह सुबह ही निकले थे 7:30 बजे, तो चीचा वतन की तरफ जा रहे हैं, जो बनता है कोई 30-31 किलोमीटर। अभी हम कसवाल से निकले हैं और पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह 4:30 बजे तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज सफ़र कम है और हम जाके आराम करेंगे इंशाल्लाह। तो आप दुआ करते रहें, अल्लाह ताला मुझे इस सफ़र में कामयाब करें, आमीन। और हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस के लिए। अल्लाह ताला इस नेक मकसद में कामयाब करें मुझे, आमीन। पाकिस्तान के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, प्यार दिया, और इंशाल्लाह मेरा सफ़र जारी है। मैंने खुजराब पास से शुरू किया है, आज 28वां दिन है और हम इंशाल्लाह खुजराब पास तक जाएंगे। आज 28वां दिन से मैंने मियाँ चन्नू से शुरू किया और चीचा वसीनी तक जाना है, मंजिल है आज की, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हम बाईपास पहुंच गए चीचा वतनी के, 4 भी बज गए, आज किलोमीटर कम थे तो हम जल्दी पहुंच गए बस। और भाई साहब आ रहे हैं हमें लेने, रास्ते में ही हैं, हम निकले हैं पीसफुल पाकिस्तान के लिए,
पाकिस्तान के आवाम के लिए। पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के तमाम फोर्सेस के लिए, जिनकी वजह से हम महफूज हैं अपने घरों में, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। आज हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि आज गर्मी कम थी और हम बस मज़े से रास्ते में हमने खाना खाया, वहाँ पे आधा घंटा आराम किया, फिर हम चलते रहे कोई 2-3 घंटे लगातार चलते रहे। बाईपास आ गया, बस आप दुआ कीजिए कि हमारी अगली मंजिल भी ऐसे आसान हो। आमीन सुम आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।